अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर एग्रीकल्चर। आई एम मोहम्मद शहरियार। फ्लैग लीफ के बारे में बात करूंगा, जो गंदम के पौधे में मौजूद होता है। उसके बारे में कुछ अहम मालूमात मैं आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं फ्लैग लीफ होता क्या है। बूटिंग स्टेज पे जब सिट्टा बन रहा होता है तो वह पत्ते के अंदर बनना शुरू करता है और पत्ते के अंदर कवर होता है और फिर आराम से उस पत्ते से निकलता है बाहर। वो जो पत्ता होता है वो फ्लैग लीफ होता है। उसकी चौड़ाई जो है वो गंदम के पौधे में जितने भी पत्ते हैं उन सबसे ज़्यादा होती है। फ्लैग लीफ की चौड़ाई बाकी पत्तों से ज़्यादा होती है। उसके नीचे एक और पत्ता भी होता है, उसकी लंबाई जो है फ्लैग लीफ से बाज़कात ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी चौड़ाई कम होती है। तो फ्लैग लीफ की जो है चौड़ाई ज़्यादा होती है। अब उसका कंट्रीब्यूशन कितना है यील्ड में फ्लैग लीफ का, वो मैं आपको बताऊं तो 70% रोल जो है उस फ्लैग लीफ का है गंदम की पैदावार में। और बाकी जो 30% है वो है जो आंस, जो बाल होते हैं, यानी कि जो सिट्टा बनता है तो वो जो बाल होते हैं उनको आंस कहा जाता है, और जिसमें दाना छुपा होता है वो सब्ज रंग का जो कवरिंग होती है ग्रीन कोटिंग, वो उनको कहा जाता है ग्लियूम्स। वो ग्लियूम्स और आंस का जो कंट्रीब्यूशन है वो 30% है, और 70% जो रोल है वो फ्लैग लीफ का है। अब जेन में होगा आपके कि फ्लैग लीफ जो है किस तरह जो है कंट्रीब्यूट कर सकता है। जी बिल्कुल करता है। रिसर्च की गई है इस चीज़ पे फ्लैग लीफ के बारे में कि उसका आय के कंट्रीब्यूशन है वीट की यील्ड में या नहीं। तो क्या किया गया कि जो फ्लैग लीफ है उसको काट दिया गया, और फिर जब उसकी एंड जब वीट की जो है गंदम की पैदावार आई तो उसमें जो है 25 से 40% तक कमी आई। यानी कि फ्लैग लीफ जो है इतना कंट्रीब्यूट करता है, अगर वो ना हो तो जो पैदावार है उसमें कमी आती है। तो अब अगर फ्लैग लीफ बाज़का किसी वजह से टूट जाए तो जो सेकेंड लीफ होता है वो उसका रोल अदा करता है, क्योंकि लंबाई में ज़्यादा होता है लेकिन चौड़ाई उसकी इतनी नहीं होती है। तो वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो वैसे भी जो है उसमें हेल्पफुल होती है वीट की यील्ड में। कोई भी फसल है तो उसमें वो किरदार अदा करती है। तो काश्तकार वेजिटेटिव ग्रोथ को अच्छा रखने के लिए मुख्तलिफ फोलियर स्प्रेस भी करते हैं और खादों का इस्तेमाल भी करते हैं ताकि पौधे की जो हेल्थ है वो सही रहे, ताकि जो है एंड प्रोडक्ट यानी कि जो फिर हमें यील्ड मिले, पैदावार मिले गंदम की वो ज़्यादा मिले। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं फ्लैग लीफ का कितना रोल है। तो मैं अब आपको अगर वैसे एक जायज़ा लें तो 30% रोल हो गया आंस और ग्लियूम्स का, तो 40% आप कह लें कि फ्लैग लीफ का रोल है। बाकी का 30% का रोल है वो फ्लैग लीफ के नीचे जो दूसरा पत्ता होता है उसका। तो ये मालूमात थी जो मैंने आप तक पहुंचानी थी फ्लैग लीफ के बारे में। देखते रहिए डॉक्टर एग्रीकल्चर। जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज़।